जी जो वहां पर पक्षकार हैं, अलग अलग दोनों तरफ के लोग गए थे और तस्वीरें सामने, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यही वो वजूखाना है। पानी हटाया गया तब दिखा, और फाउंटेन और शिवलिंग के बीच में फर्क कोई भी जान सकता है। वीडियोग्राफी की गई है, तस्वीरें ली गई हैं। देखिए अंजना जी, आज जिस तरीके से हिंदू पक्ष के जो वकील थे, जिस तरह की वो उत्साह में अपनी बातें कर रहे थे, मैं समझता हूं कि कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला वकील बहुत मर्यादित और संतुलित होना चाहिए। वो इस तरह की वेग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए अंटिल एंड अनलेस उसका कोई जजमेंट आ जाए, या फिर वो रिपोर्ट अभी सबमिट भी नहीं हुई, कल उसकी तारीख है। दूसरी बात यह कि मुस्लिम पक्ष न क्रोधित है, न विचलित है, न हर्षित है, न उत्साहित है, बल्कि हम संतुलित और मर्यादित हैं। इसलिए संविधान की परिधि के तहत जो काम हो रहा है हम उसका सम्मान कर रहे हैं, और हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन चूंकि आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे भी बहुत सारी बातें अभी होंगी, तो मैं पहले बता दूं कि इस काशी विश्वनाथ मंदिर की जो नींव है, जो उसको बनवाने का काम किसने किया, राजा टोडरमल ने। और राजा टोडरमल कौन थे, यही जिसको मुगल आक्रांता कहते हैं, बादशाह अकबर के नौ रत्नों में से एक। 1585 में जो है उसके फरमान पर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, और उन्होंने दीन इलाही एक मजहब लाया जिसके तहत ज्ञानवापी मस्जिद भी वही राजा टोडरमल की निगरानी में बनी। ये इतिहासकार लिखते हैं। कौन सी मस्जिद में मंदिर की दीवार का इस्तेमाल किया जाता है? आप मुगलों के स्पोक्स पर्सन क्यों बन जाते हैं? मैं बन नहीं रहा हूँ, मैं चूंकि बता रहा हूँ। बादशाह बादशाह कह रहे हैं आप, और यहाँ टोडरमल आप ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल, राजा टोडरमल तो ब्राह्मण है ना, वो तो अकबर के नौ रत्नों में से एक है। मानसिंह कौन है, उनके यहाँ से रिश्तेदार है जोधा अकबर की तरफ से आते हैं। तो मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो इतिहास कह रहा है। दूसरी बात ये है कि जो सिंगार गौरी का जो मूर्ति आपके लिए ही एक सवाल होगा, क्योंकि आप वकील हैं, आपने कई बार कहा कि दीन मोहम्मद के केस का जिक्र है, आपने कहा कि 12 लोगों ने कहा, लेकिन आप कभी भी ये नहीं बताए कि 1936 में जो दीन मोहम्मद के केस के जो जजमेंट आया था वो क्या था। मैं पढ़ के बता देता हूं, आप इसको वेरीफाई कीजिएगा। इट इज डिक्लेयर्ड दैट ओनली द मॉस्क एंड द कोर्टयार्ड विद इन द लैंड अंडरनीथ आर हनफी मुस्लिम वक्फ एंड द प्लेंटिफ एंड द हनफी मुस्लिम्स हैव राइट टू ऑफरिंग प्रेयर्स। ये 1937 में जो ये फैसला आया मिर्जापुर उसमें यहां से ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये मस्जिद है, वक्फ की जमीन है। 1883 में हिंदू पक्ष पार्टी नहीं था। 1991 में एक और विष्णु जी, एक और सवाल लगातार विष्णु जी एफिडेविट फाइल किया था, दोनों तस्वीरें वो दिखा दीजिए। ये मैप जो लेआउट है जो हिंदू पक्ष रख रहा है, जो दावा किया गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब दोनों तस्वीरें दिखा दीजिए, उससे काफी कुछ समझ में आती है बात। विष्णु जी जल्दी से उनकी बात का जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है शोएब जमी ने मेरी बात सही से सुनी नहीं। मैंने कभी नहीं कहा दीन मोहम्मद के केस में हम लोग जीत गए। दीन मोहम्मद के केस में तो हिंदू पक्ष पार्टी ही नहीं था, वो ब्रिटिश सरकार और दीन मोहम्मद के बीच में था। मैंने आपके चैनल पे पहले भी ये बात रखी थी कि दीन मोहम्मद के केस में जो ब्रिटिश सरकार ने एफिडेविट दिया वो पढ़ने वाला था, जिसमें उसने ये कहा कि हाँ औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा। दीन मोहम्मद के केस में जो 15 लोगों की गवाहियां हुई वो गवाहियां पढ़ने लायक थी, और वो सारी गवाहियां हिंदुओं के पक्ष में आई हैं। तो दीन मोहम्मद कोर्ट का जो जजमेंट आया है स्टे ऑर्डर का, वो किसका केस था? स्वामी दीपांकर अरे वो किसका केस था? उसकी एक वादी अभी भी जिंदा है। आपका केस था वो 1993 में, किसका केस था बताइए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया? स्वामी दीपांकर, लेकिन इसका भविष्य क्या है? इसका भविष्य क्या है? जो जानकारी आज मिली है उसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? अगर ये कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है रिपोर्ट को, तब आगे भविष्य तय होगा। पहले कोर्ट में कल सबमिट हो। पर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा जब अभी शोएब भाई ने बताया इस मंदिर के इतिहास के बारे में, तो कहा यह जाता है, जानकार और कुछ विद्वान कहते हैं कि ये गंगा के अवतरण से पहले का मंदिर है। पहली बात, 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने कराया, और अभी कॉरिडोर बना था, हम सब लोग उसके साक्षी बने। मगर आदरणीय हम देखिए, आपके उसमें बोलते नहीं है ना, थोड़ा सा तो सभ्यता और मर्यादा रखिए। खैर, कैरी ऑन करने दीजिए प्लीज। जिस प्रकार की परिस्थिति वर्तमान अंजना जी है, निसंदेह काशी का मूल तत्व ज्ञानवापी है। 1993-94 में मैकविल नाम के एक खगोलीय शास्त्री आए थे यूएस से, जिन्होंने काशी को मापना चाहा, मगर उनसे BHU के एक प्रोफेसर ने कहा अगर आप काशी मापना चाहते हैं तो आप ज्ञानवापी को केंद्र बनाइए, तब आप माप पाइएगा। तो ज्ञानवापी के एक योजन लंबा गोल घेरा खींचने के बाद तब पता लगा कि केंद्र ज्ञानवापी है, पूरी समूची काशी का।
जैसे समूची बॉडी में मध्य नाभि है वैसे काशी में ज्ञान वापी है। एक मिनट सर कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं जवाब दूं। वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक, खगोलीय, किसी भी आप दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको काशी का मूल केंद्र और अविनाशी तत्व ज्ञान वापी दिखेगा। अभी कल पता लग जाएगा जब ये पटल पर रखेंगे जस साहब के सामने, और जस साहब जो कहेंगे हम लोगों को पूरा विश्वास है और हम लोगों को पूरा यकीन है कि जो जस साहब है वो न्याय करेंगे। सुनील सिंह साहब, ये पॉलिटिकल मामला कैसे हो जाता है, ये सियासी मामला कैसे हो जाता है? समित जी कह रहे हैं कि पिटिशनर्स हैं, 5 महिलाएं हैं जो कह रही है एक बार हमें पूजा करने की इजाजत दी जा रही है, 92 के बाद से हम रोज पूजा करना चाहते हैं, वो कोर्ट गई हैं, और ये सब कुछ फैक्ट फाइंडिंग में आया है, वही सर्वे जिस पर सब पर्देदारी कर रहे थे। देखिए अंजना जी, आपने जब शो शुरू किया तो जो सबसे पहला सवाल आपने किया कि क्या शिव ही सत्य है, तो उसमें कोई दुविधा नहीं है, शिव ही सत्य है। लेकिन जहां तक मामला न्यायालय में है, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है, तो जो देखिए आस्था एक हमारा आपका विषय हो सकता है, समित पात्रा का विषय हो सकता है, स्वामी जी का विषय हो सकता है, किसी का विषय हो सकता है, लेकिन ये देश आस्था से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और मुझे लगता है कि जब मामला न्यायालय में चला गया है, सारी जांच हो गई है, वीडियोग्राफी हो गई, फोटोग्राफी हो गई है, वो कल माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले में कल सुन रहा है, तो मुझे लगता है कि जो कानून से रास्ता निकलेगा वही सही रास्ता होगा। नगरी तो बाबा की है, क्योंकि समित पात्रा जी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ दी, लेकिन इसी बाबा की नगरी में कितने बाबा के मंदिर टूटे हैं, इस पर इन लोगों ने कभी बात नहीं की। इसलिए सियासत है, ये सियासत इसलिए है कि बेरोजगारी पर बहस ना हो, सियासत इसलिए है कि महंगाई पर बहस ना हो, नफरत कैसे बढ़ाई जाए, सियासत इसलिए। भाई कल जजमेंट, कल माननीय न्यायालय के सामने जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा, आज ही लोग टीवी चैनलों पर बैठ करके फैसले सुना रहे हैं। हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम फिर कह रहे हैं हम कानून के पक्ष में हैं, संविधान के पक्ष में, लेकिन जिस तरीके से फैसले सुनाए जा रहे हैं उससे लगता है कि यहाँ सियासत हो रही है। कोर्ट का फैसला आपको सियासी लग रहा है? नहीं, कोर्ट का फैसला नहीं, कोर्ट पे तो हमने कोई टिप्पणी नहीं की। तो फैसले कौन हमने सुना तो पहले ही कहा, कौन फैसले सुना? टीवी पर बैठकर, भाई टीवी पर बैठकर एक पक्ष कह रहा कुछ नहीं मिला, एक पक्ष कह रहा मिल गया, तो हमको आपको सबको इंतजार करना चाहिए कि जो न्यायालय के सामने गया, न्यायालय तो झूठ नहीं बोलेगा, हमें भी न्यायालय पर भरोसा है, समित जी को भी न्यायालय पर भरोसा है, ये भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, वो अलग की बात है कि हम लोगों को ये लोग कभी कभी हिंदू मानते हैं, जब अधिकार देना होता है तब फिर नहीं मानते हैं, जब मंदिर में पुजारी बनाने का नंबर आएगा तब फिर नहीं मानेंगे, वैसे तो ओबीसी एससी एसटी सब हिंदू हैं। संबित देखिए, आप सोचिए जरा, षड्यंत्र कितनी गहरी है। यहां पर ओबीसी एससी एसटी इसके नाम पर हिंदुओं को खंडित करने के लिए हमारे सुनील भाई ने जिस प्रकार का एक प्रयोजन रचा, ऐसा नहीं है कि मैं और आप समझ नहीं पाए, और ये सदियों से इस देश में कुछ लोग इसी प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं अंजना जी, बाबा का भव्य शिवलिंग इसमें हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान का धरोहर है। द्वादश शिवलिंगों में से विराट स्वरूप बाबा का, काशी नगरी जो बाबा की नगरी है, आप सोच के देखिए। आज ये छोटा ये विषय मेरा सुनील जी के साथ या सोएब जमाई के साथ तूतू मैमे का विषय नहीं है। और बिल्कुल सही कह रहे थे स्वामी दीपंकर जी, ये तो विक्रमादित्य जी ने, महाराजा विक्रमादित्य जी ने भी जीर्णोद्धार किया था, ये संस्कार है, अनादि काल से बाबा वहां है। और अगर आज वास्तविक रूप में जो शिवलिंग मिला है वो द्वादश शिवलिंग है, तो ये प्रत्येक भारतवासी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो शोएब जमाई हो या मुसलमान हो, हैं तो हम इस मिट्टी के संतान ना, इस मिट्टी के धरोहर का एक विराट अंश आज मिला है हम सबके लिए। आज प्रसन्न होने का दिन है, लड़ने का दिन नहीं है।